लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए और बड़ी लड़ाई का ऐलान किया। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइस बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। बढ़ती महंगाई से देश बेहाल, पेट्रोल डीजल खाने का तेल जरूरत की सभी चीजें महंगी हो रही, जिसको लेकर कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। क्या अभी आप लोग का प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि बैरिकेड लगा दिया गया, आगे जाने नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगा। हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध राष्ट्रपति जी के पास दर्ज करने जा रहे थे और हमको उसकी इजाजत नहीं दी गई है। महंगाई के विरोध में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर रोटियां बनाई, बिना तेल मसालों की सब्जी बनाई। ये देखिए, कांग्रेस नेता अमृता धवन भी सड़क बैठकर सब्जी बना रही। जो पानी है इसमें हम पकाने का प्रयास कर रहे हैं, तेल तो 200 रुपए पार हो गया, तो तेल तो आज गृहिणियां बहुत मुश्किल से खरीद पा रही हैं। दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहाँ रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस सरकार ने 8 साल में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूँ, मैं डरता नहीं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया। खींच करना बंद कर, सही सवाल ये है कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था। डेमोक्रेसी अंडर कांग्रेस पार्टी हैड बिकम एन एपिटम ऑफ करप्शन। कांग्रेस ने देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसको लेकर 2 स्तर की रणनीति तैयार की गई। पहले सभी राज्यसभा लोकसभा सांसदों का राष्ट्रपति भवन तक मार्च और दूसरी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कांग्रेस मुख्यालय से पीएम हाउस तक का मार्च। महंगाई के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में कई राज्यों से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ जम नारेबाजी की। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कई राज्यों से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे और पार्टी ने ये जाहिर कर दिया कि कांग्रेस जनता की आवाज उठाएगी और केंद्र सरकार के फैसलों का जोर शोर से विरोध करेगी। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट।